आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज संसद में जो कुछ हुआ उसकी। देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं, इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कौन संविधान के फॉर थे, कौन संविधान के खिलाफ थे। उनका उद्देश्य अपने सवालों के जवाब सुनना नहीं था, बवाल के असबाब बनाना। अगर हमारी सुनवाई नहीं करनी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम ही ये नहीं मानते हैं, अभी भी उसी अहंकार से चल रहे हैं, तो हमने भी सदन से वॉकआउट किया है। लीडर ऑफ अपोजिशन के नेतृत्व में सच्चाई चूंकि सामने आने नहीं दी जा रही है, संपूर्ण विपक्ष ने श्री खड़गे के नेतृत्व में वॉकआउट किया सदन में। यहाँ सिर्फ झूठ बोला जा रहा। आपको गरिमा नहीं सदन की डायरेक्शन दे दे आप बेल में आने के लिए लोगों को, ये आपको ये प्रतिपक्ष के नेता आप, नो गलत तरीका आपका। भय मुद्रा, अभय मुद्रा नहीं भय मुद्रा। अच्छा ये क्यों कह रहा हूं, राहुल गांधी ने बतौर एलओपी जब संसद में अपना पहला ओजस्वी भाषण दिया था ना, ओजस्वी जिसमें हिंदुओं को हिंसक कहा था, क्योंकि ओजस्वी भाषण के लिए हिंदुओं को हिंसक कहना जरूरी होता है। बहरहाल जो पहला भाषण दिया ना, तो अभय मुद्रा दिखाते हुए कहा था कि कांग्रेस किसी से डरती नहीं है, अभय मुद्रा। लेकिन आज ये देखिए, ये इसे भय मुद्रा कहते हैं आप, ये जो जा रहे हैं ना सारे सांसद छोड़कर, इसे भय मुद्रा कह सकते हैं। मतलब पूरे विपक्ष ने जो किया उसे विपक्ष की भय मुद्रा बताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी ये पूछ लिया कि डरो मत का नारा देने वाले राहुल गांधी क्या मोदी के भाषण से इतना डर गए, या सच का सामना करने से इतना डर गए कि पूरी पार्टी समेत संसद से भाग गए, मतलब मोदी जी का भाषण नहीं सुन पाए। मतलब क्यों मैं इस 24 घंटे में उनकी अभय मुद्रा भय वाली मुद्रा में बदल गई? क्यों विपक्ष के नेता के साथ, पूरे विपक्ष में इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुद के उठाए सवालों पर, आप सोचिए, नीट पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, एमएसपी पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, अग्निवीर पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, इस पर नहीं बोलते, मणिपुर पर नहीं बोलते, आज मणिपुर पर भी बोला, नीट पर भी बोला, एमएसपी पर भी बोला, सारे सवालों के जवाब दिए। लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो रण छोड़, मोदी के हमले ताबड़तोड़, विपक्ष रण छोड़। मतलब सवालों पर प्रधानमंत्री का जवाब सुनने के लिए कोई नहीं था, वहां पर भाग गए, सब छोड़ गए, बीजेपी कह रही है भाग गए। राहुल गांधी जिस अभय मुद्रा की बात कर रहे थे, वो अचानक इंडी की भय मुद्रा में क्यों बदल गई, आप इसकी बात करेंगे। दरअसल बीजेपी को ना राहुल गांधी और विपक्ष के खिलाफ ऐसी बातें कहने का मौका इसलिए मिला क्योंकि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होते ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। कल की तरह आज भी विपक्ष ने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान हंगामा किया, लेकिन प्रधानमंत्री हंगामे से विचलित नहीं हुए। तो कुछ देर बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आज भी 2 घंटे 10 मिनट तक मतलब चिल्लाते रहते, कल तो प्रधानमंत्री ने पानी भी पिला दिया था, आज जल्दी छोड़ दिया विपक्ष ने मैदान। विपक्ष की इसी हरकत से नाराज सभापति ने कहा कि विपक्ष सदन छोड़कर नहीं, मर्यादा छोड़कर गया है, और विपक्ष ने उन्हें नहीं पीठ दिखाई, संविधान को पीठ दिखाई है, और विपक्ष ने अपनी शपथ का अनादर किया है। देखिए ऐसा कल भी हुआ था, आपको याद करिए, कल प्रधानमंत्री ने जब भाषण शुरू किया था तो विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, यहां तक कि विपक्ष के सांसद वेल तक में आ गए थे। अच्छा ये तस्वीरें नजर रखिएगा, ये मैं बताऊंगा आपको, ये राहुल गांधी खुद जो ऐसे करके जाओ आगे जाओ, ये देखिए, जाओ आगे जाओ कर रहे हो, उकसा रहे हैं राहुल गांधी, सारी तस्वीरें आ गई सामने। मतलब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे ऐसा लग रहा है कि संसद हंगामा कांड के डायरेक्टर कोई और नहीं, राहुल गांधी जी थे, एलओपी। अब राहुल गांधी को भी समझना होगा, वो विपक्ष के नेता है, एलओपी है, लेकिन वो सारी तस्वीरें सामने आ गई। राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों को ये देखिए कुछ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि राहुल कांग्रेस सांसदों को शोर मचाने या वेल में जमकर हंगामा करने के लिए मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं, उकसाते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके बाद राहुल गांधी के पीछे बैठे तरुण गोगोई नीचे उतरते, ये देखिए वो उनका हाथ देखा आपने, उनकी मूवमेंट। अब उसके बाद तरुण गोगोई नीचे उतरते हैं, वो खींच खींच कर, मतलब हाथ पकड़ पकड़, ये देखिए आप, ये देखिए तरुण गोगोई। अच्छा, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए, फिर आप तस्वीरों को और क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे। ये फुल स्क्रीन पर दिखाइए, तरुण गोगोई ने क्या किया, ये देखिए। फिर वो उनको किसी तरह हाथ पकड़ कर खींच खींच कर नीचे लेकर आए, ये देखिए राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं। फिर वो तरुण गोगोई पकड़ पकड़ कर विपक्षी सांसदों को संसद में हंगामा मचाने के लिए जाते हुए दिखाई भी देते हैं। वीडियो देखने से लगता है कि हंगामा मचाने से पहले कांग्रेस और विपक्ष के कुछ सांसद जो है वो हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि शायद वो भी जानते हैं भाई ये तरीका ठीक नहीं है, संसदीय परंपरा और लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है, और प्रधानमंत्री को बोलने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन आदेश राहुल जी का था, अब राहुल गांधी LOP हैं, इसलिए राहुल गांधी के करीबी गौरव गोगोई खुद राहुल गांधी के आदेश का पालन कराने के लिए नीचे उतरे और फिर सांसदों को खींच खींच कर वेल में ले गए। ये सब कुछ वहां पर हो रहा था। उसी वक्त संसद में राहुल गांधी के बैठने का अंदाज, अब उसको लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है, काफी कुछ कहता है, मतलब ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सबको डायरेक्शन दे दी है कि ऐसे ऐसे करो, और राहुल जी हाथ हिला हिलाकर अपने सांसदों को शायद वेल में उतरने का आदेश दे रहे हैं। कल विपक्ष के हंगामे और आज विपक्ष के मतलब वॉकआउट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल विपक्ष के सारे हथकंडे फेल हो गए और आज विपक्ष में के सामने खड़े होने का भी, विपक्ष के अंदर मेरे सामने खड़े होने का भी साहस नहीं है, सच सुनने का साहस नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास गली मोहल्ले में चीखने के अलावा कुछ नहीं बचा, नारेबाजी, हो अल्लाह और मैदान छोड़कर भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं, आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। सवाल ये कि मतलब LOP लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के नेता को ऐसा बर्ताव क्या शोभा देता है? मतलब उनको शायद यही अपरिपक्व उनका और गैर जिम्मेदार रवैया जो है ना बीजेपी को ये कहने का मौका दे देता है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष जैसे जिम्मेदार पद के लायक या काबिल नहीं है। ही इज अनफिट टू बी LOP, जो बीजेपी कह रही है या साबित करना चाह रही है। क्या राहुल गांधी के इस बर्ताव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? क्या ये संवैधानिक और संसदीय परंपराओं को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है? ये सवाल हमारा आपसे है। देखिए, क्योंकि राहुल गांधी जब खुद 100 मिनट तक भाषण देते रहे, 100 मिनट तक बोलते रहे राहुल गांधी, किसी ने शोर शराबा हंगामा किया? सत्ता पक्ष ने कोई शोर शराबा हुआ, कोई हंगामा हुआ? कोई हंगामा नहीं हुआ, एक भी सांसद वेल में नहीं आया। बीजेपी में मोदी और अमित शाह ने आपत्ति जरूर जाहिर की, उनकी कुछ बात एक एक वाक्य बोला, फिर वो बोलकर बैठ गए कि हिंदुओं को हिंसक कहना शोभा नहीं देता। उसके बाद वो अपनी चेयर पर बैठ गए, उनका पूरा भाषण 100 मिनट तक देश ने सुना, किसी ने कोई हंगामा नहीं किया। इतना नहीं, पूरे विपक्ष ने 3.5 घंटे तक बिना हंगामे के सरकार पर सवाल उठाए, सरकार पर आरोप लगाए, कोई हंगामा नहीं मचा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब विपक्ष के सवालों आरोपों का जवाब देना शुरू किया तो तस्वीरों में देख रहे हैं आप, देख भी सकते हैं कि राहुल गांधी ने विपक्ष की, देखिए सांसदों को वो खुद उकसाते हुए नजर आए, वो खुद वेल में जाने के लिए बोलते हुए नजर आए, वो उकसाते हुए नजर आए कि जाओ वेल में जाओ, हंगामा करो, ये सब खुद राहुल गांधी करते हुए नजर आए। खुद बोल रहे थे, 100 मिनट बोले, लेकिन जब मोदी जी, या तो सुनने की हिम्मत नहीं है तो सवाल क्यों आपने ऐसा किया, या तो आप अपनी ताकत का एहसास कराना चाह रहे हैं कि अब हमारे नंबर्स बढ़ गए, हम संसद चलने नहीं देंगे, हम संसदीय प्रणाली का मजाक बना देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे, या तो आप अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, या मोदी को सुनने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि मोदी नीट पर भी बोले, MSP पर भी बोले, मणिपुर पर भी बोले। विपक्ष के सांसदों को हंगामा मचाने के लिए खुद क्यों उकसाया राहुल गांधी ने?
ये हंगामा इसलिए था कि मोदी मतलब विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दे रहे थे। शायद इसी से बुरी तरह से तिलमिलाए राहुल गांधी ने मोदी का भाषण रुकवाने के लिए ना मतलब हंगामा मचाना शुरू कर दिया। वो चाह रहे थे किसी तरह मोदी का भाषण रुक जाए। ये देखिए, आप देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, ये फुल स्क्रीन पर दिखाइए इसको दोबारा से, क्योंकि पहले तस्वीरें आई नहीं थी। ये देखिए, अब आप देखेंगे राहुल गांधी ऊपर के, ये देखिए ध्यान से, यहां पे राहुल गांधी नजर आ रहे हैं आपको। ये फिर ये स्पीकर ने जब कहा था कि ये मर्यादा आप उनको उकसा रहे हैं वेल में जाने के लिए, ये एलओपी को शोभा नहीं देता, तो फिर उनसे सवाल उठाया था और राहुल गांधी विपक्षी सांसदों को मतलब वेल में जाने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि जो बीजेपी, ये देखिए वो कहा क्या, वहीं रहिए, ये देखिए यहां पर ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ तस्वीरों में कैद हो गया। वो खुद हंगामा मचाने का आदेश देते हुए नजर आए और इसी से नाराज होकर ओम बिड़ला ने कहा था कि राहुल गांधी को संसद की गरिमा का ध्यान नहीं और वो नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी जो है नहीं निभा रहे हैं। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए अब आप समझ पाएंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखे आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं, आप संसद मर्या पीछे पीठ पीछे नहीं करें, आपको गरिमा नहीं सदन की डायरेक्शन देते आप बेल में आने के लिए लोगों को, ये आपको ये प्रतिपक्ष के नेता है आप, नो गलत तरीका आपका। अच्छा याद करिए, अब राहुल गांधी जी पर ये आरोप लग रहा, वो खुद उकसा रहे थे सांसद। अच्छा ये तस्वीरें भी याद करिए, ये तस्वीरें 2012 की हैं। 2012 में सोनिया गांधी पर भी कुछ इसी तरह के इशारे करती हुई वो नजर आई थी, तब उन पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे कि वो भी इसी तरह से हंगामे के लिए, ये देखिए हंगामे के लिए सांसदों को उकसाने के उन पर आरोप लगे थे। अब राहुल गांधी की ये तस्वीर आई 2024 में, तो हमको ये पुरानी तस्वीरें मिली जिस पर सोनिया गांधी पर भी इसी तरह हंगामे के लिए उकसाने के आरोप लगे थे, वो इसी तरह का इशारा करते हुए नजर आए थे। अब आपको ना संसद की एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर बताती है कि नरेंद्र मोदी को एक दूरदर्शी परिपक्व नेता क्यों कहा जाता है। अब मोदी मतलब राहुल उकसा रहे थे, मोदी हंगामा करने वाले सांसदों को पानी पिला रहे थे। ये फुल स्क्रीन पर दिखाई तस्वीरें भी देखेगा ध्यान से, तस्वीर मतलब प्रधानमंत्री नीचे जो सांसद हैं वो हंगामा मचा रहे, मोदी को बोलने नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी लगातार 23 साल से संवैधानिक पद पर बने हुए हैं, क्यों लगातार 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद लगातार 10-11 साल से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री का राजनीतिक संस्कार क्या है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। जब मोदी के खिलाफ भाषण जब चल रहा था, ये देखिए विपक्षी सांसद उनके सामने खड़े होकर चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब पानी का गिलास है, उन्होंने बोला पानी पी लो, अभी शोर मचाना है और हंगामा करना है, ये देखिए आप पानी पी लो। मतलब वो कहते हैं कि पानी पी पी कर सुनाना तो होता है ना, सुना था हमने, पानी पिलाकर सुनाना पहली बार है। प्रधानमंत्री ने अपने हिस्से का पानी हंगामा मचा रहे कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर को ऑफर किया, लेकिन फिर उन्होंने प्रधानमंत्री के हाथ से पानी लेने से इनकार कर दिया, तो मोदी ने कांग्रेस के दूसरे सांसद को पानी पिलाया। राहुल उकसा रहे हैं हंगामे के लिए, मोदी हंगामा कर रहे सांसदों को भी पानी पिला रहे हैं। ये दो तस्वीरें, फर्क साफ है, मतलब मोदी ने पानी पिलाया, राहुल गांधी ने उकसाया, फर्क साफ है और हर कोई जानता है। प्रधानमंत्री ने हंगामा मचा रहे कांग्रेस नेताओं की पीड़ा समझी, शायद प्रधानमंत्री ने उन्हें भी ये कहा कि पानी पी लीजिए क्योंकि आपको काफी देर तक हंगामा मचाना है और आपका गला सूख रहा है। और इस तस्वीर की तुलना संसद में राहुल गांधी की उस तस्वीर से करें तो राहुल गांधी ने क्या किया, सांसदों को हंगामा मचाने के लिए उकसाया, संसद में अराजकता जिस तरह की देखने को मिली उसके डायरेक्टर भी राहुल गांधी को बताया जा रहा है। देखिए बार बार कहें से इसी तस्वीर में ना दरअसल हार की हैट्रिक और जीत की हैट्रिक का फर्क है, यही सोच और राजनीतिक संस्कारों का फर्क है। और यही दो तस्वीरें बताती हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बने और राहुल गांधी क्यों कांग्रेस की हार के जिम्मेदार बताए जाते हैं। इसके अलावा कल और आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष के हर आरोप का करारा जवाब दिया, हर आरोप का। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार ये पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोलते, मणिपुर पर नहीं बोला, नीट पर नहीं बोला, एमएसपी, प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोला, नीट पर बोला, एमएसपी पर बोला, लेकिन जिनके लिए बोला या जिनका जवाब, जिन्होंने सवाल पूछा था वही वहां पर मौजूद नहीं था। आज संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं, अरे आप लोग तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे लगा करके जिए हो, आपको संविधान की कोई आदर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, इस देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है, उसके जहन में
राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। यहां चर्चा के दौरान केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है, ऐसा कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं लोग, और हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर के जवाब मांगो। कांग्रेस पार्टी से मैं आप वालों से कहता हूं, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी। आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का सबसे फेवरेट मुद्दा है मणिपुर। प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोलते हैं। मैं चुनौती के साथ बोल रहा हूं, आज कांग्रेस की या इंडी गठबंधन के किसी नेता से पूछ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर क्या बोला, उन्हें पता भी नहीं होगा, क्योंकि उनको मणिपुर की चिंता नहीं है। हैरानी की बात यह है कि एक साल से मणिपुर की चिंता करने वाला विपक्ष आज संसद में मणिपुर के मुद्दे पर गायब था। विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर बोले, संसद के अंदर बोले। आज प्रधानमंत्री ने मणिपुर हिंसा पर अपनी बात रखी तो सुनने वाला विपक्ष का सांसद नहीं था वहां पर कोई। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार एक साल से मणिपुर में शांति लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष, उन्होंने जिक्र किया कि कुछ लोग मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर की घटना में 11,000 से ज्यादा FIR हुई हैं, 11,000 से ज्यादा FIR, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मणिपुर में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा और कांग्रेस सरकारें 10 बार वहां राष्ट्रपति शासन लगा चुकी है, लेकिन कांग्रेस प्रधानमंत्री के जवाब से अब भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन मणिपुर पर जवाब दिया गया। अब आपको ना विपक्ष की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं।